नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के अंतिम समय में आपको कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बिंदास होकर परीक्षा लिखना है। परीक्षा बेहतर ही जाएगा, हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। और इसके साथ जो भी र्यूमर वाली खबर आ रही है उस पर अगर कहीं कुछ लगता है तो आप ऑनलाइन भी FIR दर्ज करा सकते हैं। आज दो खबर आई, एक खबर आई जेपीएससी से, कुछ स्टूडेंट ने हमें फोन करके बताया कि उनसे मेंस में रिजल्ट करवाने के नाम पर अकाउंट नंबर दिया गया। अकाउंट नंबर रांची का है, सोनू कुमार और संतोष कुमार के नाम से अकाउंट नंबर भी हमारे पास आया जो स्टूडेंट के पास था। फिर हमने ये सलाह भी दिया कि आप FIR कीजिए। FIR स्टूडेंट ने लॉन्च कर दिया, उसकी कॉपी हम तक आ गई और उसके बाद आपको ये वीडियो बता रहे हैं कि रांची में ही दो अकाउंट नंबर जारी किया गया है कि जेपीएससी मेंस में अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपका नाम चढ़ाया जाएगा। जो लोग मेंस लिखे हैं उनका डेटा लीक हो चुका है। इसी प्रकार के फर्जी कॉल जेएसएससी में भी आएंगे, लेकिन आपको सतर्क रहना है। आज से कुछ अलग अलग स्थान से खबर आने लगा कि इतना क्वेश्चन वहां है, उतना क्वेश्चन वहां है, पटना में ऐसा हो गया होगा, लेकिन फिलहाल सभी चीजें कोरी अफवाह ही निकल रही हैं। तो आपको फिलहाल तैयारी करके बेहतरीन एग्जाम लिखना है। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को कि आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। लेकिन झारखंड पुलिस से हम अनुरोध करेंगे कि आप ऐसी चीजों पर संज्ञान ले। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर आपके जो अपने तंत्र हैं उनको लगाइए। अलग अलग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसमें अपने अपने लोगों को जोड़िए पुलिस विभाग और देखिए कि क्या कुछ सच नजर आता है। तो बहुत सारी चीजें इधर सुधर हो रही हैं, चीजें आती जा रही हैं, लोग इसी से परेशान है। पिछले बार भी हुए थे, लेकिन फिलहाल हर चीज पर आपको ध्यान नहीं देना है। जो सच होगा हम जरूर से आपको बता देंगे और हम तक हर खबर आ ही जाती है किसी ना किसी रूट से हो करके, चाहे आपके पास से हो चाहे किसी और रूट और माध्यम से हो। तो इंतजार करते रहिएगा कि अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो हम हैं आप लोगों के साथ में आवाज उठाने के लिए, परीक्षा के पहले भी और परीक्षा के बाद भी। ये LIC का विज्ञापन नहीं है बल्कि सच वाली खबर है। और चलिए उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम अच्छा ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।